नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, सीटेट की एग्जाम को लेकर और परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर लगभग 35 लाख से ज़्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर आ रही है, सीटेट का नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉरम और दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सीटेट के छात्र हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सीटेट की ऑनलाइन तिथि को लेकर अपडेट आ रही है कि कल से आपके ऑनलाइन फॉरम शुरू हो सकते हैं। कल सोमवार को सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, यानी कि जो अगला सप्ताह आ रहा है दोस्तों उसमें कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन की तैयारियां हैं वो सीबीएसई बोर्ड ने कर ली हैं, सिर्फ जारी करने की तैयारी है। आज छुट्टी की वजह से सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके रात्रि 12 बजे से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉरम आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों इस बार 35 लाख से ज़्यादा छात्रों के फॉरम भरे जाने की संभावना है। हर साल 2 बार सीटेट होता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सीटेट समय पर नहीं हो पाया है। लेकिन अब दोस्तों सीटेट का जो सत्र है वो भी थोड़ा सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की वजह से लेट हो गया, वरना अमूमन सीटेट का जो जुलाई में नोटिफिकेशन होता है दोस्तों वो आपका मार्च अप्रैल में ही जारी हो जाता है, जुलाई में एग्जाम भी हो जाती है। बात करें दोस्तों सीटेट की, जो जुलाई अगस्त वाली परीक्षा है वो अगस्त में भी हो सकती है, मई के अंत तक या फिर जून के पहले वीक में कहा गया था कि ऑनलाइन फॉरम शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों सीटेट में इस बार 35 लाख से ज़्यादा फॉरम भरे जाने की संभावना बताई जा रही है। सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएँ देरी से शुरू हुई हैं उनकी वजह से भी सीटेट में नोटिफिकेशन में समय लगा है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई जो सीटेट की एग्जाम करवाती है उसको लेकर अलग से अधिकारी हैं, वो इसको परीक्षा को आयोजित करवाते हैं। तो सीटेट को लेकर काफ़ी समय हो चुका है, सीटेट दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाया गया था जिसमें कि 35.5 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था और मात्र 4 से 6 लाख छात्रों को ही इसमें पास आउट माना गया है। अब जो अगला सीटेट है वो भी दोस्तों आपका जो है जुलाई की जगह अगस्त तक हो पाएगा, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एग्जाम डेट आपकी जुलाई और अगस्त में रहेगी और अपडेट के अनुसार सिलेबस में और पैटर्न में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपकी ऑफलाइन करवाने को लेकर अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के अनुसार ऑफलाइन सीटेट का पेपर आयोजित हो सकता है। अगर ऑफलाइन पेपर होगा दोस्तों तो पैटर्न बदल जाएगा। जो ऑनलाइन एग्जाम कराने का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों वो कोई नई शिक्षा नीति या नए नियम के अनुसार नहीं था, बल्कि वो कोरोना की वजह से था। लेकिन दोस्तों अब कोरोना की इतनी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर केस नहीं है, कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, इसीलिए ऑफलाइन ही सीटेट करवाया जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिन एग्जाम हो सकता है, उसको लेकर सीबीएसई बोर्ड अलग से नोटिस जारी करेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सीटेट की नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।